एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए हाईली बेनिफिशियल होगा जो टीयर थ्री का डिस्क्रिप्टिव देंगे। एसएससी सीजीएल का जो टीयर थ्री डिस्क्रिप्टिव होता है वो देंगे, क्योंकि आपको जॉब पाने के लिए सभी स्टेजेस क्लियर करनी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपके साथ आज ले रही हूँ पेपर कोड 3218। ये पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स के मैं पेपर्स लूंगी और आपके साथ डिस्कस करूंगी कि उनके पेपर में क्या अच्छा है या उन्होंने क्या गलतियां की हैं, जिससे कि आप सीख सकें। आप सभी को मेरी सलाह है कि जितना हो सके आप लिख कर आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, लिखने का अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करेंगे तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। पहले बातों बातों में आप कहते हैं कि नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं लिख सकता हूं 250 शब्दों में। जब लिखने बैठते हैं तो 100 शब्द नहीं क्रॉस हो पाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं टॉपिक क्या था। जो टॉपिक है पेपर कोड 3218 के लिए वो ये रहा। निबंध के लिए क्या टॉपिक है? कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत कितना सफल है? हाउ फार इंडिया इज सक्सेसफुल इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। और उसके बाद लेटर में क्या दिया गया है? यू आर रमेश्वर कुमार, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड एट सूरत। यू आर लाइकली टू लूज योर जॉब बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक as the company is in trouble. Write a letter and negotiate with your company so that you can save your job. बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेटर है। देखो कि आप सूरत में एक विनिर्माण कंपनी एबीसी लिमिटेड में काम करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर हैं रामेश्वर कुमार, ठीक है, एबीसी लिमिटेड में। तो कोविड-19 महामारी की वजह से आपकी नौकरी जाने की संभावना है, क्योंकि कंपनी जो है वो मुश्किल में है। आप एक पत्र लिखें और अपनी कंपनी के साथ बातचीत करें ताकि आप अपनी नौकरी बचा सकें। तो बेसिकली अपनी नौकरी बचाने के लिए कंपनी को आपको पत्र लिखना है। चलो, शक्ति है, ये पिनाकल का एक स्पेशल ऑफर है सभी पिनाकल के प्रोडक्ट्स पर। और ये जो ऑफर है ये 15 मई से लेकर 18 मई 2020 तक बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। ये उद्देश्य है कि अपना उनका जो उनके जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं, इसलिए ये मिशन शक्ति जो है आपके लिए लॉन्च किया गया है। आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारा एसएससी सीजीएल का जो ऑनलाइन फुल कोर्स है जिसमें टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, टीयर फोर 2019-2020 के लिए 2 साल के लिए जो 7,000 में पहले अवेलेबल था अब वो 2,190 रुपए में अवेलेबल है। जो एसएससी सीजीएल टीयर थ्री है जिसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट मैनुअल होती हैं, चेकिंग वगैरह, जो 3,000 रुपए का कोर्स था और अधिकतर 2,000 रुपए में अवेलेबल होता था अब वो 1,000 रुपए में अवेलेबल है। ओ का जो कोर्स था जो 4,000 रुपए में अवेलेबल था वो 999 में अवेलेबल है। हमारा पूरा एसएससी सीजीएल का इंग्लिश का कोर्स टीयर वन, टीयर टू, टेस्ट सीरीज वगैरह जिसमें काफी डिटेल में आपकी ग्रामर, वो कैब सब कुछ इंक्लूडेड है, वो 5,000 में अवेलेबल था अब वो 999 रुपए में अवेलेबल है। सिमिलरली मैथ्स का कोर्स भी 999 रुपए में अवेलेबल है। यहाँ पर ये प्रीवियस प्राइसेस और साथ में यहाँ पर मिशन शक्ति के तहत कितने में अवेलेबल आपको दिया गया है। जीके का जो कोर्स है वो भी 5,000 रुपीज का था, वो 999 का अवेलेबल है। जीके की जो हमारी 20,000 की एमसीक्यू सीरीज है वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये बहुत ही रामबाण साबित होगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जीके जो है कमजोर और थोड़े हायर लेवल के भी एग्जाम्स वो देना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस और मिशन शक्ति के तहत कितने में अवेलेबल है वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह सब कुछ। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको सलाह दी जाती है कि आप एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फुल कोर्स ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो नीचे मेंशन है वो इसमें इंक्लूडेड है। एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे फिर 2 साल के लिए कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए या तो आप हमारे पिनाकल लर्निंग ऐप से ज्वाइन कर लो, सभी कोर्सेज आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं टीयर थ्री डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को छोड़कर, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट करें ssccjlpinnacle.com आप विजिट करें और वहां से ज्वाइन करें। कुछ और जानना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और साथ में यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है। इस मौके का बिल्कुल फायदा उठाएं, काफी सारे प्रोडक्ट्स पर ऑलमोस्ट अप टू 80% डिस्काउंट जो है आपके लिए अवेलेबल है, ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, ज्वाइन करें। यहाँ पर सबसे पहले मैं ऋचा दत्ता का पेपर ले रही हूँ। देखो काफी बार जो है स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे अगर आप देखें तो इस स्टूडेंट के वैसे 71 नंबर हैं परंतु यूएफएम की वजह से इनको 0 मार्क्स दिए गए हैं।
ओके, 0 मार्क्स दिए गए हैं। आप सभी को पेपर के डायरेक्शंस जरूर पढ़ने हैं। ये मत सोचो कि एक बार एसएससी ने डायरेक्शंस इस पेपर के लिए एप्लीकेबल थे तो अगले साल नहीं बदलेंगे। डायरेक्शंस जरूर जरूर पढ़ने हैं, और आपका पेपर जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में आ जाता है अगर आपने उसमें कुछ भी रियल या फिर इमेजिनरी लिख दिया है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट को अवॉर्डेड 0 ड्यू टू UFM इन एड्रेस। हम देखेंगे इन्होंने क्या गड़बड़ की है, वरना इनको एसे में 36 और लेटर में 35 मिले हैं। आइए देखते हैं इनका पेपर। हाउ फार इंडिया इज सक्सेसफुल इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। Firstly, we should consider ourselves fortunate because due to considerably late outbreak, okay? इनके बारे में इनके पेपर की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि ये सीधे मुद्दे की बात पर आती हैं, okay? Due to considerably late outbreak of COVID-19 in India, it gave us a chance to learn from the mistakes and experience of countries around the globe. Also, we shall be grateful to our government for giving more importance to the lives of people than to boosting the economy. Boosting यहाँ पर थोड़ा इनअप्रोप्रिएट वर्ड है। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें थोड़ा आभार मानना चाहिए कि हमारे यहाँ ये आउटब्रेक लेट हुआ और जगहों पर हुआ, जिससे कि हमें उनके उनसे सीखने का मौका मिल गया। आगे है, इंडिया इज डूइंग इट्स बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अनाउंस्ड लॉकडाउन थ्रू आउट द नेशन टू कंटेन द स्प्रेड। वेरियस स्कीम्स लाइक फ्री राशन, गैस सिलेंडर, शेल्टर होम्स, मील्स एक्सेट्रा आर इन प्लेस टू हेल्प द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज द ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैव कम फॉरवर्ड विद हेल्पिंग हैंड्स इन द टाइम ऑफ नेशनल डिजास्टर एंड आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद चीप वेंटिलेटर्स, PPEs, rations, containment centers, funds, etc. At the same time, the inadequacy of medical infrastructures in India has been exposed. The doctors are under immense pressure and are working 24/7. Medical professionals are even facing the dearth of personal protective equipment in spite of risking their lives in treating the patients. आगे है, द नंबर ऑफ केसेस हैज क्रॉस्ड 40,000 एंड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। लैक ऑफ टैलेंट इन द गवर्नमेंट एंड इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी इन आवर सिस्टम हैज बीन मेड एविडेंट। ऑल्सो देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स एंड सेंटर। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन अर्ली डेज ऑफ आउटब्रेक एंड लीनियंसी गिवन व्हेन द केसेस आर नॉट एट इट्स पीक रिवील द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ प्लानिंग मेजर्स इन द लॉन्ग रन। देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्क्रीट प्लानिंग विद लॉन्ग टर्म विजन, कीपिंग इन माइंड द इम्पैक्ट ऑन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन। Only extending the lockdown is not going to yield any promising result. Okay? अब आ जाते हैं हम इनके लेटर पर। लेटर में कहा गया, यू आर रामेश्वर कुमार, मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ABC लिमिटेड एट सूरत। अब इन्होंने अपने एड्रेस में ये जो XYZ कॉलोनी लिख दिया है, इसकी वजह से UFM, नथिंग इमेजिनरी और रियल। इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, मैं बार बार यही कह रही हूँ। आगे है, डेट 30th मार्च 2020, द मैनेजर ABC लिमिटेड सूरत। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। आगे कहते हैं, सर, आई रामेश्वर कुमार वर्किंग इन योर कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। सबसे पहले अपना परिचय दिया गया है, ओके? फिर है, सिंस लास्ट 15 ईयर्स वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ चांस टू कंटिन्यू माई सर्विस विद द कंपनी। आई हैव कम टू नो दैट मेनी ऑफ माई कलीग्स हैव रिसीव्ड टर्मिनेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी इन लास्ट 1 मंथ। Sir, I am well informed of the current scenario and of the loss that our company is suffering due to this lockdown. I would also like to inform that I have a family consisting of my parents, wife, and 2 school-going children with no other earning member except me. I am ready to work on 1/5 of the salary I used to receive. Please consider my request and allow me to continue my services. I promise to work harder and deliver my best. Yours sincerely, Rameshwar Kumar.
तो ये इनका पेपर था, लेकिन यूएफएम की वजह से इनको जीरो मिली। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना स्टार्ट करेंगे बड़े अलर्ट होकर, कभी कभी आपके लेटर में यही नहीं दिया होता कि आप एग्जैक्टली कौन है, सीधा होगा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, और आप भूल जाते हैं और लास्ट में आप अपना नाम यहाँ पर लिख जाते हैं, आप अपना वास्तविक नाम लिख जाते हैं, उससे भी वो यूएफएम में आ जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी रियल और इमेजिनरी नहीं लिखना है। लिखने की बहुत प्रैक्टिस करो, अलर्ट होके करो, तो डेफिनेटली आप इस यूएफएम के मुद्दे से बच जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला पेपर आपको मैं दिखा देती हूँ, ये जेला का पेपर है। जेला को देखो इनको क्या दिया गया है, कमेंट में इनको दिया गया है राइट रेलेवेंट इन एसे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही रेलेवेंट लिख रहे हैं, इन्होंने कैसे रेलेवेंट और रेलेवेंसी के लिए इनको 10 में से 5 नंबर ही दिए गए हैं। आओ देखते हैं। कोरोना वायरस स्टार्टेड स्प्रेड फ्रॉम चाइना एज चाइना डिडंट वॉर्न द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एट एन अर्ली स्टेज इट स्प्रेड इट्स विंग्स टू ऑल ओवर द ग्लोब। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आर सीरियसली इफेक्टेड बाय द वायरस। ठीक है, एक बार टॉपिक देखो क्या था, हाउ फार इंडिया इज सक्सेसफुल इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 पैंडेमिक। ओके, ये देखो क्या लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आर सीरियसली इफेक्टेड बाय द वायरस। Among the above countries, USA has topped the list with above 10 lakh infections and around 60,000 deaths. Even though it is a developed country, it failed to implement the preventive measures to stop the spread. The reason behind this is the country's president, Donald Trump, doesn't want USA to dip the economy and to raise unemployment rate. But above all, the people are the ultimate sufferers. Who didn't have patience, okay? अब यहां तक देखो इन्होंने दुनिया भर की कंट्रीज में क्या हुआ वो ये बता रहे हैं। तो क्या दिया गया इनको कमेंट में, बैकग्राउंड अबाउट अदर कंट्रीज इज टू लॉन्ग। आप देखो कितना सारा इन्होंने दिया है बैकग्राउंड के बारे में, और इनको लिखना किसके बारे में था, भारत के बारे में था। ओके, इसके बाद यहाँ से इनका थोड़ा सा जो है रेलेवेंट वो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इनका रेलेवेंट स्टार्ट होता है, तभी इनके 10 में से आधे नंबर 5 नंबर आए हैं। अगर इसके बाद भी ये दूसरी कंट्रीज का ही बखान करते रहते तो इनके मुश्किल से 2.5 या 3 नंबर आते 10 में से। ओके, तो रेलेवेंट जरूर लिखिए आप, मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही कह रही हूँ कि विषय को समझो, विषय को समझो। इवन दो इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, इट बिकेम सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग द स्प्रेड बाय टेकिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स। द फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 वाज रिपोर्टेड ऑन 30th January 2020। इमीडिएट काउंटर टू दिस आर प्राइम मिनिस्टर मोदी बैंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एंड इवन स्टार्टेड द चेकिंग फॉर सिम्टम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। Most of these people were kept in quarantine for 14 days, but this didn't stop the spread of virus. So again, on 22nd March 2020, Modi ordered for 21 days lockdown of the country. And when there were about 500 positive cases, and then there were about 500 positive cases all over the country. This phase of the lockdown didn't stop the complete spread. So states had stopped all the services like road, rail, transport due to unidentified carriers. The virus started to spread, but this didn't went up. देखो ये बहुत ही unclear सा था, ये क्या कहना चाहते थे। After 21 days lockdown, there is no progress. So phase 2 of lockdown announced till May 3rd, 2020. People are maintaining social distancing, curfew at night, good sanitization, wearing of masks, avoiding unnecessary travel mode. India succeeded in avoiding the spread all over the country. I would say within a span of 1 month, India will eradicate this pandemic from our country. Okay? तो relevant आपको जरूर लिखना है, इस चीज के ऊपर जो है आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, मैं आपको ले आती हूँ अब एक हिंदी मीडियम के पेपर पर, और जो हमारा हिंदी मीडियम का पेपर है ये नेहा कुमारी का पेपर है पटना से, 70 नंबर इनको मिले हैं। आइए नेहा कुमारी जी का पेपर देख लेते हैं। COVID-19 महामारी विश्व के लगभग सभी देशों में फैल चुकी है। इस युद्ध में भारत अन्य देशों के मुकाबले एक सच्चे योद्धा की भांति लड़ रहा है। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जैसे विकसित देश भी भारत की रणनीति की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत दूसरे देशों में क्लोरोक्विन नामक दवा देकर सहायता भी पहुंचा रहा है। इस समय इस महामारी का कोई सुदृढ़ इलाज न होने के कारण लॉकडाउन यानी सामाजिक दूरी ही सबसे बड़ा उपाय है, जिसका भारत में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद एकता की भावना बनी हुई है। यहाँ के नागरिक समझ रहे हैं और जागरूक भी हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है।
चिकित्सकों, पुलिस कर्मियों एवं सफाई कर्मियों का योगदान देश के लिए गौरव की बात है एवं भारत की जनता भी बड़ी निष्ठा के साथ लॉकडाउन की स्थिति में साथ दे रही है। यहाँ बड़ी संख्या में वेंटिलेटर, मास्क, वार्ड तैयार कर लिए हैं। विदेशों में भी फंसे प्रवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने तत्परता दिखाई है। भारत में जन्म के समय ही BCG के टीके लगवाए जाते हैं, जिससे बच्चे की जन्म से ही एक प्रतिरक्षा प्रणाली के रहने से कोरोना वायरस का प्रभाव कम रहता है, जबकि दूसरे देशों में ऐसी कोई टीका नहीं दिया जाता है। इन्होंने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ की है। साथ ही भारत में प्रयोग किए जाने वाले मसाले भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। कई देश एक दूसरे देश पर कोरोना फैलाने का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि इस समय भारत वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सिर्फ इससे उभरने की कोशिश कर रहा है। अतः इस समय भारत COVID-19 की लड़ाई में सफलतम स्थान में पहले नंबर पर रखने की क्षमता रखता है। इनका हिंदी मीडियम का पेपर, आ जाइए इनके लेटर पर, दिनांक 30/4/2020, सेवा में प्रबंधक महोदय। देखो, ये जो लेटर आपको लिखना था, इसमें क्या दिया गया था कि COVID-19 महामारी की वजह से आपकी नौकरी जाने की संभावना है, क्योंकि कंपनी जो है वो मुश्किल में है। एक पत्र लिखें और अपनी कंपनी के साथ बातचीत करें और अपनी नौकरी को बचाएं। इसमें से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं ओनली अर्निंग मेंबर हूँ, परिवार में इतने लोग हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना है। कुछ ने ये कहा कि मैं इससे कम तनख्वाह पर भी काम कर सकता हूँ। मुझे पता है कि जो हालात हैं, हमें उन सबको हम सबको मिलकर उनका सामना करना है। तो आपकी जो टोन होनी थी, एक तरह से वो रिक्वेस्टिंग वाली टोन ही होनी थी। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स थे, करीबन 5%, जिन्होंने धमकाने की टोन में लिखा कि मैंने आपके लिए 10 साल काम किया है, आप मुझे इस तरह से कैसे निकाल सकते हैं, मैं इस फोरम में जाऊंगा, उस फोरम में जाऊंगा, आपके खिलाफ केस कर दूंगा, ये बहुत कुछ, मतलब आप वो उससे मेच्योरिटी नहीं झलकती है। ठीक है, तो जरा पत्र भी लिखने से पहले शांत मन से सोचे कि मुझे लिखना क्या है। आगे देखो, विषय नौकरी के संबंध में। महाशय, मैं रामेश्वर कुमार अपनी विनिर्माण कंपनी ABC लिमिटेड में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हूँ। वर्तमान में COVID-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में कंपनी का मुश्किल में होना लाजमी है। उक्त मुश्किल घड़ी में हम सभी इस मुश्किल घड़ी से हम सभी उभरेंगे, ये पूरी उम्मीद है। परंतु वर्तमान में कंपनी अपने कुछ कर्मचारी की छटनी कर रही है, जो कि बड़ी ही चिंता का विषय है। ऐसे समय में नौकरी से निकाला जाना दोहरी मार के समान है, और कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बाद में फिर नए कर्मचारी को नियुक्त करना होगा, जो एक समय की बर्बादी होगी। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि संकट की घड़ी में मुझे नौकरी से न निकालें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। और फिर फाइनली इन्होंने इसको खत्म किया है। ठीक है, चलो अगले पेपर पर चलते हैं। राधा का पेपर, राधा जो है सिरसा गंज से, ये हमारी स्टूडेंट है। इनका पेपर हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से हमें लिखकर भेजती हैं। आप भी अपनी तुलना इन स्टूडेंट से कीजिए और देखिए जिस तरह से इन्होंने लिखा है, क्या आप भी ऐसा लिख पाएंगे? ओके, आपको भी तो बिल्कुल कंपीट करना है और इसी प्रकार से लिखना है। चलिए देखते हैं। और इनका जो लेटर था वो काफी अच्छा लेटर भी, आप इनका ध्यान से सुनना। COVID-19 महामारी के संकट से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। हर रोज संक्रमितों वह मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान जैसे विकसित और विकासशील दोनों ही देश इस संकट से जूझने में विफल साबित हुए। भारत में COVID-19 के संक्रमण के पश्चात सरकार और नीति निर्देशकों की राय के अनुसार अन्य देशों के हालात को देखते हुए लॉकडाउन की ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे देश को गंभीर परिस्थितियों से बचाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया। सरकार के इस तत्काल कार्रवाई के कारण, यहाँ पर सरकार की होना चाहिए कि इस तत्काल कार्रवाई के कारण आज संक्रमण अन्य देशों की अपेक्षा काफी धीमी है। भारत में हमारे देश में जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के बावजूद भी संयम का परिचय देते हुए
एकजुटता के आह्वान ने देश को गंभीर हालत से बचाया है, परंतु सरकार ने इतने कम साधन के प्रभावपूर्ण उपयोग तथा नए साधनों को विकसित करने का कदम उठाया है। आज देश में संक्रमितों के ठीक होने की दर 25% है, वहीं पहले संक्रमण की दर 3 दिन में दोगुनी वह अब बढ़कर 10 से 11 दिन तक हो गई है, कहीं कहीं यह 40 दिन तक भी है। भारत सरकार और कर्मवीरों के अतुलनीय योगदान से संपूर्ण विश्व में भारत संक्रमण सूची में 19वें स्थान पर है। आपको डेफिनेटली क्या इनका उल्लेख नहीं करना था कि हम कैसे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पुलिस वाले जो हैं वो 2400 घंटे तैनात हैं, हमारे डॉक्टर जो हैं वो 2400 घंटे तैनात हैं, हमारी नर्सें जो हैं वो कितनी मेहनत से काम कर रही हैं, हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जो है वो कितनी मेहनत से काम कर रही है। इन सब लोगों का भी तो आपको जिक्र करना था ना। उसके बाद जनता जो कि घरों में रह रही है, हमारी जो हाउसवाइफ्स, बहुत सारे लोग जो है उनका आप धन्यवाद कर सकते थे इस ऐसे में और बता सकते थे कि उनका एग्जैक्टली क्या कंट्रीब्यूशन है इस पूरे में। भारत सरकार और कर्मवीरों के अतुलनीय योगदान से संपूर्ण विश्व में भारत संक्रमण सूची में 19वें स्थान पर है। आशा है हम जल्दी संकट को हराकर यह जंग जीतेंगे। अब आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं इनके पत्र पर, ध्यान से देखना। ये दिनांक 1 मई 2020 प्रतिष्ठा में प्रबंधक एबीसी लिमिटेड कंपनी सूरत। कितना बढ़िया, इन्होंने यहीं से सारी जानकारी लेकर ये एड्रेस लिखा है। आगे देखो विषय, सेवा जारी रखने के संदर्भ में। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखा। महोदय, मेरा नाम रामेश्वर कुमार है, मैं आपकी विनिर्माण कंपनी एबीसी लिमिटेड में मैकेनिकल इंजीनियर पद पर सेवारत हूँ। श्रीमान, आज देश में कोविड-19 महामारी ने कोहराम मचाया हुआ है, जिसके बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति पर मंदी का प्रभाव होने से रोजगार के अवसर कम होने की आशंका है। महोदय, मैं आपके यहाँ लंबे समय से कार्यरत हूँ तथा मेरे परिवार की आय का एकमात्र साधन भी यही है। संकट की इस घड़ी में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी सेवाओं को सुचारू रूप से निरंतर चलाने की कृपा करें। मैं कंपनी की मुश्किल घड़ी में पूर्ण लगन व मेहनत से सेवा करने का अवसर चाहता हूँ। आशा है कि आप मेरा यह विनम्र आग्रह अवश्य स्वीकार करेंगे। फिर धन्यवाद भवदीय रामेश्वर कुमार। ठीक है, तो इस तरह से इनको इन्होंने लिखा है और बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, क्योंकि देखो आपकी जो टोन है वो बहुत सही होनी थी इस तरह के पत्र के लिए। कभी कभी सिचुएशंस बड़ी ट्रिकी हो जाती हैं, तो बहुत ही सही टोन पकड़ते हुए इन्होंने काफी अच्छा ये लिखा है। आइए मैं आपके लिए एक और ले लेती हूँ, और यहाँ पर ये एक लेटर ले रही हूँ मैं, और ये लेटर जो है ये हर्षदीप नेगी का है। देखो, हर्षदीप नेगी ने सेंडर्स एड्रेस जहाँ लिखते हैं वहां पर केवल रामेश्वर कुमार लिखा, यहाँ पर लिखा यू आर रामेश्वर कुमार मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड एट सूरत। ओके, अब ये जो है आपका ऑफिशियल, मतलब आप एक तरह से अपनी कंपनी के ही उसको लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना ऑफिशियल एड्रेस भी लिख सकते थे, एबीसी लिमिटेड सूरत इस तरह से लिख सकते थे। नॉट जस्ट नेम, राइट द एड्रेस गैदरिंग फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। उसके बाद देखो इन्होंने सीधे स्टार्ट किया एबीसी लिमिटेड, आप इसको किसी को एड्रेस भी तो करे, यू आर लाइकली टू लूज योर जॉब बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एज द कंपनी इज इन ट्रबल, राइट अ लेटर एंड नेगोशिएट विद योर कंपनी टू सेव योर हेड, तो आप यहाँ टू सेव योर जॉब। तो इन्होंने सिर्फ एबीसी लिमिटेड लिखा सूरत, सब्जेक्ट नेगोशिएटिंग टू सेव माई जॉब। ये जो नेगोशिएटिंग है ये सही शब्द नहीं है, उपयुक्त शब्द नहीं है, तभी एग्जामिनर ने यहाँ पर लिखा है इन अप्रोप्रिएट वर्ड। रिक्वेस्ट करना है आपको, रिक्वेस्टिंग टोन हो। रिस्पेक्टेड सर, आई एम रामेश्वर कुमार वर्किंग इन योर कंपनी, आई हैव बीन एन ओबीडियंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पास्ट 14 ईयर्स। ओबीडियंट वर्ड यहाँ पर करेक्ट नहीं लग रहा है, आज्ञाकारी छात्र होता है, क्या आज्ञाकारी एम्प्लॉय होगा, लॉयल कर सकते थे आप। I joined as an assistant engineer in the mechanical department and presently working as a team lead after 3 promotions in the past 14 years. These promotions have been only on the basis of my
ये वर्क कल्चर ठीक नहीं है एंड माई एटीट्यूड टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रेट हाइट्स। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, आप में से कुछ लोगों ने लिखा कि पिछले 10 सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, इन 10 सालों में आपने मुझे एक बार भी प्रमोट नहीं किया, ऊपर से आप मुझे निकालने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक ऐसा पत्र होना चाहिए था जहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन से शिकायतें करनी है कि पिछले 10 साल मैंने आपके साथ काम किया और मुझे ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर भी मैं आपके साथ काम करता रहा। इस तरह की चीजें आप लिखने से बचें। एंड माई एटीट्यूड टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रेट हाइट्स। I have worked on 10 projects including 4 were of foreign clients assignments in this time when the organization is facing huge loss due to COVID-19 pandemic. I assure you to give my best and still get more clients for the organization as I am presently working on a project that would be very profitable for the organization in the near future. With all this, I also want to convey that I have 6 dependent family members on me, directly or indirectly. Therefore, please do not fire me from the organization. Thanking you, yours faithfully, Rameshwar Kumar. Okay? ये इनका लेटर था। ओके, बहुत ही एवरेज साइन उन्होंने लिखा हुआ, कुछ एक गलतियां की हुई, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। अब अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि लिखने से पहले बहुत अच्छे से प्लान करें, मेच्योरिटी जो है, सेंसिबिलिटी जो है कि ये जो व्यक्ति एक अफसर बनने वाला है, वो सारी चीजें आपकी राइटिंग में छलकनी चाहिए। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट है sscglpinnacle.com, वरना आप इस नंबर पर कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं। So I wish you all the best. Thank you so much for watching. अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. Till then, take care. Bye bye.